कार्यक्रमों में भागीदार बनना पड़ा है। हम सब जानते हैं कि आज 14 अप्रैल की पावन तिथि है। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती। प्रातःकाल से अनेक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने, उन कार्यक्रमों में भागीदार होने के कारण मुझे देवभूमि आने में थोड़ा लेट हुआ। इसके बाद श्रीनगर, फिर रुड़की होते हुए मैं देहरादून में आया हूं। देवभूमि को नमन करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बाला साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृतियों को भी नमन करते हुए उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी उत्तराखंड से दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश चुनाव के संयोजक श्री नरेश वंशल जी, लोकसभा की प्रतिष्ठित टिहरी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी महारानी श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, हमारे माननीय मंत्रीगण श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, चुनाव के प्रभारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी ने प्रातःकाल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। बहनों और भाइयों, विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित युवा, महिला, गरीब और किसान, इस चार आधार स्तंभों पर आधारित आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देशवासियों से प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मांगा है। और मैं तो देश के अंदर कई राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान बहनों और भाइयों, 80 लोकसभा सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में है। मैं कल भी उत्तराखंड में था, आज भी उत्तराखंड में हूं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 85 की 85 सीटें मोदी जी के गले का हार बनेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरे देश के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, बदलते हुए भारत को आज की पीढ़ी देख रही है। एक नया भारत जिसका दुनिया के अंदर सम्मान भी है, जो सुरक्षा भी देना जानता है और दुनिया को सुशासन का मॉडल भी देता है। विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय, काशी में काशी विश्वनाथ धाम तो केदारनाथ में केदारनाथ धाम, बद्री विशाल का धाम भी भव्य स्वरूप ले रहा है तो 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला भी विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, ये आस्था का और विरासत का और विकास का यह अद्भुत संयोग। आज मैं प्रातःकाल जब श्रीनगर गया, देहरादून ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन दिख रही है। श्रीनगर में एनआईटी, मेडिकल कॉलेज, ये सभी बन चुके हैं। यानी ये चीजें दिखती हैं कि आज की आवश्यकता केंद्रों दुनिया के अंदर जो पहले था, जिसके लिए भारत
ये मानता था कि हमारे यहां भी होता। आज आईआईटी है, आईएम है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेज है, एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर आज हम सबको देखने को मिल रही है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। 80 करोड़ लोग देश के अंदर पिछले 4 वर्ष में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोले गए हैं। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए हैं। हर घर नल की योजना साकार हो रही है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। बहनों भाइयों, आज के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 10 वर्ष में भले इतना किया है, अगले 3 वर्ष में 3 करोड़ और गरीबों को मकान देंगे। बहनों भाइयों, 5 वर्ष तक लगातार ये राशन की सुविधा का लाभ गरीबों को प्राप्त होगा। यही अंतर है, कांग्रेस की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे। आज कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी वर्तमान भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। और भारत से अलग हुए पाकिस्तान की स्थिति क्या है? यहां तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, वहां 1 जून रोटी के लिए, 1 रोटी के टुकड़े के लिए छीना झपटी आप वहां पे रोजमर्रा की चीज देखते होंगे। भीख का कटोरा लेकर के पाकिस्तान दुनिया के अंदर घूम रहा है। बहनों भाइयों, यही है, एक तरफ नेशन फर्स्ट के साथ मोदी जी है और दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व में फैमिली फर्स्ट को लेकर के इन लोगों की कोई प्राथमिकता नहीं। इनके समय युवा बेरोजगार होता था, आज युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था है। उनके समय जातिवाद का नंग तांडव होता था, आज राष्ट्रवाद का अलग जगाया जा रहा है। उनके समय पुष्टिकरण के नाम पर कहा जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, भारत के अंदर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला का देश के संसाधन पर अधिकार है। और हमने कहा नहीं, तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण, सबका साथ सबका विकास। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का मॉडल ऐसा, 2014 के पहले पाकिस्तान या देश का दुश्मन कहीं भी भारत की सीमा का अतिक्रमण कर देता था, लोग आंखें बंद कर देते थे। आज क्या स्थिति है? अगर कहीं कोई पटाखा तेजी से फट जाए ना, तो भी पाकिस्तान सफाई देता है कि देखो हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर वह समय रहते नहीं दिया और कहीं भौंए तन गई तो न जाने कहां यार स्ट्राइक हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे उसको। नक्सलवाद समाप्त, कश्मीर में धारा 370 समाप्त, आतंकवाद की जड़ पर अंतिम, उसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया गया। और कैसे सुरक्षा का मॉडल होना चाहिए? लोग कभी कभी कहते हैं मुझे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं कि अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, उत्तराखंड की तरफ जाएंगे। अरे हमने कहा उनको इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि उत्तराखंड में जा सकेंगे। लोग कहते हैं जेल भेज जाएंगे फिर करेंगे, अरे हमने कहा जेल जाने के पहले जहन्नुम के रास्ते खुले होंगे उनके, चिंता मत करो। और इसलिए भाइयों आए भाइयों, मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, टिहरी की ये प्रतिष्ठित सीट बहुत मायने रखती है। महाराजा मानवेंद्र शाह जी ने कई बार यहां का प्रतिनिधित्व किया,
भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ धाम के प्रतिनिधि के रूप में यहां की जनता जनार्दन उन्हें सम्मान देती रही है। और बहनों और भाइयों, यह है विरासत का सम्मान। विरासत को हम इस रूप में सजो करके रखे रहे, सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में मान करके उनके अनुसार मुहूर्त तय करवाते हैं, कब हमारे तीर्थ के मुहूर्त तय होने हैं और उस मुहूर्त के अनुसार फिर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये तो सौभाग्य है टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कि वही विरासत को आप भी आज संभाल करके आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यही तो विरासत और विकास का अद्भुत संयोग आज भारत को दुनिया के अंदर एक विशिष्ट स्थान दे देता है। लोग इसी चीज को लेकर के, लोगों को पता ही नहीं, देखो ना कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, और जो हमने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बन गया, राम राम विराजमान हो गए, अब कहते राम तो सबके हैं, बोलते हैं ना, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते राम तो सबके हैं। लेकिन राम, भगवान राम का जो महोत्सव हुआ था अयोध्या में, उसमें सब फिर भाग गए थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम हमारा शकुनिजम खतरे में पड़ जाएगा। तो बहनों और भाइयों, जो आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो देश को समस्या देते हो, देश के अंदर जो भी समस्या हो, आतंकवाद की, नक्सलवाद की, भ्रष्टाचार की, अराजकता की, जातिवाद की, ये सारी की सारी समस्या तो कांग्रेस की देन है। तो फिर इस समस्या को ढोकर के ले चलने की आवश्यकता क्या? चुनाव तो एक आपके सामने अवसर है और इस चुनाव में बिना किसी उसके हमें देश के नेतृत्व को देखना है। पूरा देश मोदी जी पर भरोसा कर रहा है, विश्वास कर रहा है, एक ही आवाज है पूरे देश के अंदर, और वह आवाज है कि फिर एक बार। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो एक ही आवाज आ रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जब सारी समस्या का समाधान एक ही, यानी सारी बीमारी का एक ही दवा, वह है राम नाम, और वह है कि कांग्रेस से पूछिए, आप तो कहते थे नाम हुए ही नहीं और आज कहते हैं राम सबके हैं। तो जब आपका विश्वास ही नहीं था तो फिर आप तो गए काम से, बोलो। हम तो वही जाएंगे जो सही मायने में राम को लाए हैं, और राम को लाने वाले मोदी जी हैं। 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। और बहनों भाइयों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज आप देखते होंगे, क्योंकि उत्तराखंड से जब आप दिल्ली या लखनऊ की तरफ आते हैं और नीचे उतरते हैं, पहले होता क्या था, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले कर्फ्यू लगा रहता था, दो दो महीना, तीन तीन महीने तक कर्फ्यू, कोई सुरक्षित नहीं था। इसलिए 7 वर्ष में दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू भी नहीं लगा। आज तक कांवड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से, ये भाजपा के कारण हुआ। या जो परिवर्तन आज आपको देखने को मिल रहा है देश के अंदर भी, ये सच है, विकास हो, सुरक्षा हो, सुशासन हो, ये पूरा मॉडल मोदी जी ने दिया, मोदी जी नेतृत्व करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, इसका श्रेय देश की जनता जनार्दन को जाता है, जिन्होंने मोदी जी को चुना, बार बार चुना, क्योंकि आपका एक वोट जब सही हाथ सही जगह जाता है, सही पार्टी को जाता है, तो बहनों और भाइयों आपको सुरक्षा भी देता है, देश को समृद्धि भी देता है, सुशासन का मॉडल भी देता है, और हमारी विरासत को सम्मान भी देता है। गलत दिशा में जाता है, आतंकवाद पनपता है, अराजकता पनपती है, भ्रष्टाचार पनपता है, कुशासन पनपता है, पहचान का संकट खड़ा होता है। यही तो कांग्रेस ने दी थी, यही संकट देश को कांग्रेस ने दिया था, और इसीलिए मैं आया हूं। कोई संदेह नहीं, किसी को कोई संदेह नहीं
कि टिहरी से महारानी साहिबा चुनाव जीतेगी, कोई संदेह नहीं आपका उनके साथ। टिहरी का लोकसभा सीट का राज परिवार के साथ एक अटूट संबंध है, अटूट संबंध है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं कई बार हम लोग संसद में महाराज मानवेंद्र शाह जी के साथ में, महाराजा मानवेंद्र शाह जी के साथ में मुझे संसद में कई बार सांसद के रूप में कार्य करने और उन्हें नजदीक से समझने का अवसर मिला। उन्होंने भारत की सेना में भी एक कमीशन अधिकारी के रूप में काम किया, उनके अंदर वही जज्बा था इतिहास के प्रति, संस्कृति के प्रति, भारत की विरासत के प्रति उनके मन में अटूट भाव था, और वही भाव आज भी ये परंपरा आगे लेकर के भारत के विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ जुड़ करके उसे मिशन के रूप में जमीनी धरातल पर उतारना चाहती है। और इसके लिए यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड वासियों से जो आह्वान किया है, उन्होंने कहा उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, पंचकमल उत्तराखंड में खिलने चाहिए। तैयार है? तैयार है ना? हर सीट पर कमल खिलेगा, सहमत है ना? और टिहरी से तो यहां पर महारानी श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी आपके प्रत्याशी के रूप में फिर से आपके पास है। सभी लोग सहमत है ना? 19 अप्रैल को ही चुनाव है, और चुनाव के दौरान ये अपेक्षा करना कि प्रत्याशी घर घर आए, गांव गांव जाए, बहुत कठिन है। पहाड़ में तो इसमें गांव दूर दूर है, वार्डों में भी नहीं जा सकता व्यक्ति चुनाव के दौरान, क्योंकि कुल 14 दिन का चुनाव होता है और पहले चरण में चुनाव है। तो बहनों और भाइयों, आपको ही प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और महारानी साहिबा का भी प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। सहमत है? घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत होगी चुनाव के दिन पहले मतदान, पहले मतदान से शुरुआत होगी दिनचर्या। पहले 3 घंटे में 50% मतदान करवा दीजिए। तो कांग्रेस की बमबाजी नहीं चलेगी थी, तब हर हर बम बम होगा, और उत्तराखंड में 5 सीटों पर हर हर बम बम के नारों के साथ 5 सीटों पर कमल खिलाने का काम करना है। सहमत है ना? सहमत है तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।